हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में तो आपको सीखने को मिले लाइव मार्केट कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, क्रूड ऑयल हुआ, ठीक है जी। और कोई भी चार्ट हो सकता है, वो बैंक निफ्टी का हो सकता है, किसी स्टॉक का हो सकता है, या फॉरेक्स का होता है, या आईपीओ ऑप्शन का हो सकता है। तो सिंपल फॉलो कीजिए प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर, और इजी मनी आप डेली बेसिस बना सकते हैं किसी भी मार्केट में वर्क कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, जिसकी वजह से मैं बिजी रहता हूँ और आपको वेट करना पड़ेगा। 4 5 दिन 6 दिन का गैप होता है, 1 दिन की छुट्टी होती है, जिसमें मैं आपको वीडियो बना के दे अपलोड करूंगा। तो जो वीडियो मिलेगी आपको वैल्यूबल वीडियो मिलेगी, फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें मैं वर्क करता हूँ आप देख सकते हैं। तो सिंपल इस कैंडल ये क्लोज हो रही है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या है। यहाँ पर देखेंगे बहुत टाइम मल्टीपल टाइम्स का वीक बना, वीक मतलब ये प्राइस का रिजेक्ट हो रही है, यानी बायर बायर स्ट्रॉन्ग, यानी बायर बायर स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट सेलर स्ट्रॉन्ग देन बायर स्ट्रॉन्ग होगा, यानी ओवरऑल मार्केट क्या है, ये डाउन ट्रेंड है ना, ये मार्केट क्या है, ओवरऑल मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब मैं इसको 5 मिनट में मूव करता हूँ, 15 मिनट पे ये है, उसके बाद मैं इसको 3 मिनट मूव करता हूँ, तो आप देखेंगे ये क्या है, मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड। अब ये क्या है, ये पैटर्न बने हुए, ठीक है जी। सिंपल क्या है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, और यहाँ पर हम थोड़ा लेट हो गए। अपनी जो एंट्री होती है इस ग्रीन कैंडल के बाद अपनी एंट्री होती है, तो अभी भी अभी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ टारगेट, आप थोड़ा लेट हो गया अपन 2 मिनट। ये अपनी एंट्री कैंडल हो गया, ठीक है जी। अपना ये स्टॉप लॉस हो गया लगभग 200, सॉरी स्टॉप लॉस आपका 100 पॉइंट का होगा, और यहाँ पर थोड़ा और कंफर्मेशन चाहिए, ये बेरिश इनकल्पिंग है, तो अपना यहाँ पर फ्रेंड्स अभी वेट करना पड़ेगा। अपना ये देखिए एंट्री पॉइंट, अपनी फर्स्ट एंट्री पॉइंट यहाँ पर थी, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल पर, यानी जो रेड कैंडल है, एक एंट्री पॉइंट यहाँ पर है, पर अगर एंट्री पॉइंट अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो ये रॉन्ग वे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है फ्रेंड एंट्री पॉइंट का, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट है देन यहाँ पर ब्रेकआउट है, और ये क्या है, ये आप देखेंगे ये कंसोलिडेशन मार्केट है, तो आपको वेट करना है इसके हाई पॉइंट पे, यानी इस एरिया में आपको वेट करना है, यहाँ पर प्राइस जाएगी तब अपन एंट्री एग्जिट का डिसाइड करेंगे, ठीक है जी। तो यहीं पर लोगों को गड़बड़ हो जाता है कि कैसे समझ नहीं पाता है, सिंपल समझने का जो रूल है वो मैं आपको बताता हूँ। प्राइस क्या होती है, यहाँ पर देखेंगे कंसोलिडेशन प्राइस हो गया, एक बॉक्स बन गया, ठीक है, ये बॉक्स ब्रेकआउट है, ना कि इसे ही बोला था फेक ब्रेकआउट, ये रियल ब्रेकआउट नहीं है, फेक ब्रेकआउट है, करेक्ट है। तो ये सब ध्यान देना फ्रेंड्स, अभी हमको वेट करना है किस लेवल तक, वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अपन वेट करेंगे ये रेजिस्टेंस एरिया, और मैं आपको करेक्टली आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे। आप यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया, और ये पूरा पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है जी। ये आपका हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया मैंने, ये क्या है, रेजिस्टेंस एरिया वर्क कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया वर्क कर रहा है, ये सपोर्ट एरिया, अगेन रेजिस्टेंस एरिया, और फिर से रेजिस्टेंस एरिया, अगेन रेजिस्टेंस एरिया, बेरिस बेरिस इनगल्फिंग पैटर्न, तो यानी रिवर्सल साइन, बेरिस इनगल्फिंग पैटर्न यानी रिवर्सल साइन, प्राइस टच देन गो डाउन, किस एरिया में, देन इस एरिया में, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया हो गया। आप अब ये एरिया क्या, ये सपोर्ट एरिया हो गया, ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया, करेक्ट है। ये क्या है, ये नेक लाइन, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया, यानी ये एरिया हमारा क्या होगा, टारगेट एरिया होगा, पर अभी हम टारगेट एरिया नहीं डिसाइड करेंगे, ना ही अपनी एंट्री डिसाइड करेंगे, मैं आपको वे बता रहा हूँ कैसे आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा अपन और वेट करते हैं, और यहाँ पर टाइम को जरा मैं, अब 5:47 हो रहा है, अपन यहाँ पर ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, और जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ये 15 दिन का कोर्सेस है, ऑनलाइन क्लासेस में आपको देता हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ, और इसमें पूरे डिटेल में आपको बताऊँ कैसे आप इन सारी चीज़ों बेस पे आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप पे कैसे आप वर्क कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा है जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या क्या चीज़ें हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस है, और प्लस यहाँ पर एक और व्यू बन रहा है ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है ये, ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं ये वेज ब्रेकआउट होता है, ठीक है, आप बोल सकते हैं चैनल ब्रेकआउट या वेज ब्रेकआउट आप बोल सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार का, ठीक है जी। तो ये क्या है, चैनल वेज ब्रेकआउट में आप बोल सकते हैं, तो वही सिंपल में दो चीजों को कंबाइंड किया हो यहाँ पर,
एक पैटर्न है जो मैं कंबाइन करना, और राइजिंग वेव फॉलिंग वेव का पैटर्न होता है, और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दो चीजों का कंबाइन करके मैं यहाँ पर आपको प्रिडिक्शन करके आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ये फीस वगैरह है, बाकी नंबर पे एक व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो अभी भी हमको वेट करना फ्रेंड्स, और इम्पोर्टेंस आपको हमेशा हर ट्रेड में देखिए कि इम्पोर्टेंस, प्रॉफिट आपका 1 रुपये भी हो, जब भी आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो 1 रुपये ही आप अर्न कर रहे हैं, पर उसको राइट वे में प्रिडिक्शन करने के लिए कितना भी टाइम आपको देना पड़े वो देना चाहिए आपको, ठीक है। फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, तो ये दिमाग माइंड सेट हमेशा रखिए, और यही चीज़ें मैं अपने यहाँ पर आपको बताता रहता हूँ फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पर मैं हर आपको बताता रहता हूँ डेली बेसिस, जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को, जो भी चीज़ें मैं करता हूँ आप बताता रहता हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कन्फर्मेशन जैसे यहाँ पर मिलता है, कन्फर्मेशन के लिए क्या हमको चाहिए, एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर बनाए, और एक रिवर्सल और चाहिए हमको, यानी प्राइस को स्ट्रोंग करने के लिए, है ना, प्राइस को स्ट्रोंग करने के लिए डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पर क्या चाहिए हमको, रिवर्सल चाहिए, है ना। टू टाइम्स क्या चाहिए, रिवर्सल चाहिए, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि बायर इंटर हो रहा है, तो फेक ब्रेकआउट में क्या होता है कि प्राइस रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, है ना। इसीलिए हमको क्या चाहिए, अगर ये 1 टाइम स्ट्रोंग है तो हमारा सेलर 2 टाइम्स होना चाहिए, तभी जाके प्राइस डाउन होगी, अदरवाइज प्राइस डाउन नहीं होगी, करेक्ट है। तो थोड़ा और वेट करता हूँ फ्रेंड्स, ये कैंडल क्लोज हो जाती है और अपन एक और कैंडल पर वेट करेंगे, और वो कैंडल डिसाइड करेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी या नहीं आएगी, आपको टाइम देना पड़ेगा फ्रेंड्स, टाइम देंगे सीखेंगे अच्छे से, तब जाके आप डेली बेसिस पे आप बना सकते हैं पैसे, छोटा अमाउंट आप डेली बेसिस बना सकते हैं, मिनिमम आप 2000 से 10,000 रुपये के बीच में अराउंड बना सकते हैं डेली बेसिस पे, विदाउट एनी इंडिकेटर का, सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन हुआ आपका, पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, सिंपल फॉलो दिस स्टेप। मैं अपने जितने भी यहाँ पर मेंबर है ज्वाइन है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है ये जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सभी लोग को यही रिकमेंड करता हूँ, तो प्राइस एक्शन पे आप वर्क करें, प्राइस एक्शन प्लस कैंडल स्टिक पे वर्क करें, है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ पोल्स वगैरह यहाँ पर क्रिएट किए हैं, जिसके लोगों ने प्राइस एक्शन पे ज़्यादा लोग वर्क करते हैं, और प्राइस एक्शन प्लस कैंडल स्टिक पे भी ज़्यादा लोग वर्क करते हैं, पर प्राइस एक्शन पे सबसे ज़्यादा लोग वर्क करते हैं, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप लोग प्राइस एक्शन पे वर्क करते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन बेस्ट ट्रेडिंग मेथड होता है। यहाँ पर अभी भी कोई सिग्नल नहीं है, ये क्या है, ये साइन रिवर्सल का साइन नहीं है, ये रिवर्सल साइन नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए हमको ये इन्वर्टेड पिन बार पर, अगर यही उल्टा बन जाता है तो वो रिवर्सल साइन में चला जाता है, ठीक। तो गड़बड़ यहाँ पर है, ये रिवर्सल साइन नहीं है, अब ये टच कर दिया तो इम्पोर्टेंस, यानी कि टच कर दिया तो ये प्राइस डाउन आएगी, ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, कंफर्मेशन इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, अभी भी आपको वेट करना चाहिए, ठीक है जी। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कब तक वेट करना है, जब तक यहाँ पर कोई शाइन नहीं मिलता है तब तक अपन वेट करेंगे। तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर वो कैंडल जब बनेगी जिसे रिवर्सल सिग्नल बोला जाता है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, बेरिश इंगल्फिंग, बेरिश पिन बार हुआ, है ना, बेरिश पिन बार हुआ, या बेरिश हैमर हुआ, या बुलिश इन्वर्टेड हैमर हुआ, ठीक है जी, या बेरिश इनगल्फिंग हुआ, या बेरिश इनसाइड बार हुआ, या इवनिंग स्टार हुआ, ये सारे या इन ये सारे पैटर्न्स अगर इस एरिया में बनते हैं तो प्राइस को स्ट्रॉन्ग करेंगे सेल करने के लिए, अदरवाइज ये फेल कर देंगे, है ना, अदरवाइज ये ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो मैं अभी वेट करता हूँ इस प्राइस को, जैसे कोई सिग्नल मिलता है यहाँ पर रिवर्सल का, फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कैसे आप सेटअप कर सकते हैं। 5:53 हो रहा है, तो मैं वीडियो को यहीं पर पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये बन गया इवनिंग स्टार और प्लस इनसाइड बार कैंडल बन गई है, तो नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब आपका ट्रेडिंग आपने आपको ट्रेड अप लगा देना है, यहाँ पर सिंपल ट्रेड को आपको प्लेस करना है, और लगभग 104 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा, और 104 पॉइंट से अपना ज़्यादा टारगेट होना चाहिए, लगभग 135 पॉइंट का अपना टारगेट होगा, ठीक है। सिंपल सेटअप, वेरी इजी, कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ पर, आपको सेटअप के बारे में बता दिया।
ये आपका स्टॉप लॉस एरिया है, ये आपका टारगेट एरिया है। क्यों टारगेट एरिया है? प्राइस क्या यहाँ से बाउंस हुआ है, ये क्या है पूरा स्ट्रोंग एरिया हो गया, ठीक। यहाँ से प्राइस बाउंस हुआ है, ये फॉल्स ब्रेकआउट है, तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हैं, ठीक। ये आपका क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट लिए आप यहाँ भी रुक सकते हैं, ठीक है, पर सेकेंड टारगेट आपका रिस्क टारगेट हो सकता है, और फर्स्ट टारगेट वेरी इजी टारगेट हो सकता है ना, ऐसा मेरा मानना है फ्रेंड्स। तो सिंपल, अब जो ये सेटअप मैं बनाया हूँ, और इसको अगर मैं वोट करना है, वोट अगर मैं देना चाहूँगा, तो सिंपल 100 में से इस सेटअप को मैं वोट दूंगा लगभग 90%, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, और कॉन्फिडेंटली 90% दे सकते हैं आप भी, ठीक है जी। क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हैं, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, और इसीलिए मैं इसको 90% दे रहा हूँ। अदरवाइज मैं इसको 70% देता, और या 60% या 50%, पर प्राइस बिल्कुल एक्यूरेट है डाउन ट्रेंड के आने के लिए। क्योंकि क्या है, आप यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये रहा है आपका बाउंस, ठीक, ये रहा है आपका ब्रेकआउट, ठीक, ये क्या है ब्रेक कैंडल, ठीक है जी। यानी प्राइस क्या है, ये आपका ये रहा, यानी ये हाई यहाँ पर बना है, यानी हायर है, ठीक है, ये क्या है आपका हायर हाई। अब प्राइस क्या है यहाँ पर, ये क्या है हायर लो प्राइस है, हायर लो है प्राइस यहाँ पर बना है। अब यहाँ से क्या होगा, बाउंस होगी प्राइस, ये लोअर हाई बन रही है, ठीक है जी। अब ये हायर लो से क्या हो गया, यहाँ पर ये क्या अभी भी हायर लो बना है, ठीक, अभी भी ये प्राइस क्या है हायर लो, यानी इसके हिसाब से ये प्राइस हायर लो है, पर इसके हिसाब से प्राइस लोअर हाई हो गया यहाँ पर, करेक्ट है। अब इसके हिसाब से ये प्राइस क्या हो गया, लोअर लो हो गया, तो यानी सेंटीमेंट चेंज हो चुका है मार्केट का, करेक्ट, सेंटीमेंट आपका चेंज हो चुका है, यहाँ पर इवनिंग स्टार बन चुका है, प्लस इनसाइड बार कैंडल बन चुकी है, तो यानी क्या है सेलर स्ट्रोंग हो जाएगा, है ना, जो कि बाउंस होने के लिए आपका ये जो टारगेट मैं लगाया हूँ यहाँ पर आ सकता है। और इसकी एक्यूरेसी जो मैं निकाल रहा हूँ वो मैं बताया 100%, 100% नहीं, 100% 100 में से 90% का आउट दिया, ठीक है जी। वेरी इजी सेटअप है, आपको समझना चाहिए इन सब बातों को जो मैं बता रहा हूँ, और उसके आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर सिंपल मैं एक हॉरिजॉन्टल लगाता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, और एक ऊपर हॉरिजॉन्टल लगा जहाँ पर अपना स्टॉप लॉस है, ठीक है जी। देखिए स्मॉल प्रॉफिट लीजिए, रिस्क कम लेके लीजिए, पर एवरीडे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको सीखने को मिल जाता है बहुत सी चीज़ें। और जो लोग उसे बहुत लोग पूछते हैं, आप इतना छोटा छोटा प्रॉफिट निकालते हैं डेली बेसिस पे, छोटा छोटा प्रॉफिट, ये तो 3 रुपए का मैंने लिया था, ऐसे यहाँ पर 5 रुपए का होना। तो यहाँ पर मैं एक आपको ट्रिक बताना चाहूँगा, अगर आप स्मॉल टारगेट रखते हैं तो क्वांटिटी को हाई कीजिए, अगर आप हाई टारगेट रखते हैं तो आप क्वांटिटी को कम कीजिए, ठीक है जी। तो जैसे 2 रुपए का टारगेट रख रहे हैं, 5 रुपए का टारगेट रख रहे हैं, तो वहां पर क्वांटिटी को आप इंक्रीज कीजिए, वहां पर क्वांटिटी कम मत रखिए, नहीं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब आपको मतलब पैसे नहीं बन पाएंगे जितना आप चाहते हैं, या बने जो आपका रेशियो है। अगर आप हाई टारगेट रखते हैं, जैसे 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, वहां पर क्वांटिटी को कम कीजिए, क्योंकि आपका टारगेट ऑलरेडी उतना बन जाएगा। और स्मॉल टारगेट रखते हैं तो आप क्वांटिटी को हाई रखिए हमेशा, ठीक है जी। और दिस वीडियो नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए फ्रेंड्स। अगेन रिवर्सल सिग्नल, ठीक है, अगेन रिवर्सल सिग्नल इन साइड बार, प्लस यहाँ पर आपका अगेन रिवर्सल सिग्नल बन गया है, तो यहाँ पर प्राइस और स्ट्रोंग हो जाएगी, और प्लस ब्रेकआउट है ट्रेंड लाइन का, है ना, हालांकि ये ब्रेकआउट है ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पर रिवर्सल सिग्नल हो गया, करेक्ट। ये रहा ओपनिंग क्लोजिंग, ये रहा ओपनिंग क्लोजिंग फ्रेंड्स, और ये रहा आपका ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। अगेन क्या यहाँ पर आप देखेंगे, टच किया, फेक ब्रेकआउट, अगेन फेक ब्रेकआउट, ठीक है। फेक ब्रेकआउट मतलब कि ये क्या है यहाँ पर, क्योंकि सपोर्ट लेवल, ये रहा सपोर्ट लेवल, यानी प्राइस यहाँ पर बाउंस होती है, यानी फेक ब्रेकआउट, अगेन यहाँ पर प्राइस जा रही, यानी ये क्या है रिवर्सल साइन इधर एरिया, यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया, यहाँ पर क्या रिवर्सल सिग्नल है ना, अगेन रिवर्सल साइन, वेरी सिंगल थिंग, इन साइड बार
प्लस इवनिंग स्टार या रिवर्सल सिग्नल, इजी प्रॉफिट आपका दिस सपोर्ट लेवल यानी हायर लो। हायर लो आपका क्या है, ये हायर लो एरिया जो है आपका क्या होगा, हायर लो एरिया जो होगा वो आपका टारगेट एरिया होगा यानी दिस एरिया, करेक्ट है। तो वीडियो वही लंबी हो जा रही है, मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ आपको, ये लगभग 6 बज गए हैं और मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। अगर टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है, दोनों में से कुछ भी होता है, तो मैं आपको वीडियो को दिखाता हूँ, ठीक है? तो आप वेट कीजिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ से प्राइस क्या है, ऊपर गया, यहाँ पर एक कैंडल बनी, और ये क्या है, किसी भी कैंडल का अपर साइड में क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल होता है ना। तो प्राइस ने रेजिस्टेंस लेवल को टच नहीं किया, ये बायर गया पर टच भी नहीं किया है, और सेलर यहाँ पर पुश हो गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रोंग सेलर से एरिया हो गया, ठीक है? तो जब तक इसको हिट नहीं करता है, तब तक यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाने वाली है, ठीक है? तो अपन वेट करते हैं फिर से, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर है, टारगेट अपना यहाँ पर है, तो अपन वेट करेंगे इस टारगेट को हिट होने तक। जैसे कि 6 बजने वाला था, 6:05 हो गया है, तो अभी हम हिट वेट करेंगे, और जैसे हिट होता है फिर मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करके दिखाता हूँ, ठीक है जी? तो हेलो फ्रेंड्स, अभी मार्केट यहीं पर भी है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और अभी जो टाइम हो रहा है 6:05 पे हमने देखा था, और 6:15 हो गया, लगभग 10 मिनट बाद ये प्राइस गोइंग डाउन आ रही है, और जो हमने प्रिडिक्शन किया था फ्रेंड, और वो टारगेट ज़रूर अचीव होगा, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो ये एरिया है। तो अभी भी जो मार्केट है, अभी हमारे एरिया तक नहीं आई है, तो यहाँ पर जब आती है यानी प्राइस आनी चाहिए यहाँ पर 3,78 तक, है ना जी? तो अभी भी आपको वेट करना पड़ेगा, देखिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और आपका प्रिडिक्शन राइट भी होना चाहिए, फिर जाके आप मनी बना सकते हैं, ठीक? तो अभी यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो रही है प्राइस, तब जाके ऐसे बाउंस होगी, या डायरेक्टली ये हिट होगी, या फिर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हायर हाई हायर लो स्मॉल कैंडले बनेगी, या डायरेक्ट ऐसे हिट करेगी, ठीक है? तो अभी भी आपको वेट करना पड़ेगा अपने इस टारगेट के लिए और अपने इस स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है जी? तो हम वेट करते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं, ऐसे प्राइस देखिए डायरेक्ट बाउंस हो गई यहाँ तक, यहाँ पर आप देखेंगे 8,43 तक, यानी 4,8,4,2,3 तक आ सकती है, और 3,78 तक अपने को प्राइस आनी है, यानी अभी लगभग 20 पॉइंट इधर 40 पॉइंट अभी हमारे टारगेट से भी प्राइस दूर है, ठीक है? तो थोड़ा देख लेते हैं, हो सकता है कि हिट भी कर दे, डायरेक्टली हिट कर दे ये, क्योंकि 400 ये आ गया है ना, 6,8,4,0,8 तक आ गया है, और 3,78 हमको चाहिए, और ये करेक्ट है जैसा कि हमने आपको बताया था कि 100 में से 90% का वोट हम इसको देंगे, तो उस हिसाब से ये करेक्ट रेट है, ठीक? और ये आपका टारगेट हिट कर दिया फ्रेंड्स, करेक्ट है? तो वेरी इजी है, और 3,90 तक आगे प्राइस देखेंगे। अब ये जो इसने लो बनाया है, आप इसको देखेंगे, हाँ इसने जो लो बनाया है वो 3,74 का बनाया है, और हमारा जो टारगेट था 3,78 का, यानी टारगेट ये हिट कर दिया, 3 पॉइंट ज़्यादा हिट करके वापस प्राइस बाउंस हो रही है, ठीक? अब यहाँ से प्राइस ये ऊपर भी जा सकती है, डाउन जा सकती है, अपने को नो कन्फर्मेशन। क्यों कन्फर्मेशन है, क्योंकि अपना ये जो एरिया था ये हिट कर चुकी है प्राइस, ठीक है? अब यहाँ से डायरेक्टली ये हिट करने के बाद वापस चली जाए, इसका कोई भी नहीं, अभी प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता, ठीक है जी? क्योंकि जो जो लेवल था वो लेवल हमने इंपॉर्टेंस लेवल को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रहे थे, जिसकी वजह से प्राइस को हमने प्रिडिक्ट किया था यहाँ पर, करेक्ट है? आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे एक ब्रेकआउट का, कैसे एक सपोर्ट लेवल का फाइंड करके आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और ये जो हमारा टारगेट था 135 पॉइंट का टारगेट आप अचीव कर सकते हैं, या आप बैंक निफ्टी वर्क करते हैं तो 30 पॉइंट 40 पॉइंट 100 पॉइंट का टारगेट आप वेरी वेरी इजिली आप अचीव कर सकते हैं फ्रेंड्स, करेक्ट है? और अगर फ्रेंड्स मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कैसे मार्केट को सबसे पहले किसी भी ट्रेड करने से पहले मार्केट कंडीशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि हमने अभी इसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है? उसके बाद फिर हमने पैटर्न्स को समझा, फिर कंफर्मेशन हमने समझा, कंफर्मेशन के लिए हमने कम से कम 5 मिनट रुका था, मैं आपको बता रहा था कंफर्मेशन कैंडल बननी चाहिए इनसाइड बार या रिवर्सल,
बेरी शिनगल्पिंग या बेरी स्पिन बार, इन्वर्टेड हैमर, कुछ भी ऐसा यहाँ पर इवनिंग स्टार कुछ बनना चाहिए। यहाँ पर बना इनसाइड बार कैंडल, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल से क्या है, और ये इस कैंडल ने क्या कवर किया, इनसाइड बार प्लस इवनिंग स्टार प्लस यहाँ पर अगेन रेड कैंडल बना, अगेन इनसाइड बार, यानी रिवर्सल सिग्नल कहाँ पर है, यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग लेवल पे था, और प्लस फर्स्ट टाइम ये रिवर्सल बेरिश इंगल्फिंग बन चुका था, जिससे हमारी प्राइस कंफर्म होगी कि यहाँ पर डाउन आएगी और इस लेवल को वो हिट करेगी, जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो उसको हिट करेगी। इसका यही टारगेट आप रख सकते हैं, और बाकी में भी टारगेट आप यहाँ तक भी रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट इजी टारगेट है, सेकंड टारगेट ये हो सकता है, पर अपना फर्स्ट टारगेट कंफर्म है कि अचीव हो जाएगा, पर सेकंड का ये मुझे नहीं कंफर्म है कि होगा या नहीं होगा, पर ये कंफर्म प्राइस है इधर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ समझने से पहले मार्केट कंडीशन, पैटर्न्स, कंफर्मेशन, फिर रिजल्ट। रिजल्ट आपको जो मिलेगा पॉजिटिव ही मिलेगा। 100 अगर आप 10 ट्रेड करते हैं आप रिड्यूशन करके, तो आपको 8 ट्रेड 7 ट्रेड आपको विनिंग होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और यही रूल ऑफ फॉलो करते हैं आप खुद से या सेल्फ स्टडी करते हैं, इसी सारे पैटर्न पे आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं और आप ट्रेड बना सकते हैं सिमेट्रिकल हो। ये 5-6 10 टाइप्स का पैटर्न होते हैं, और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप में आप इसे यूज कीजिए। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप सेल्फ स्टडी से इसको सीखिए, या मेंटरशिप प्रोग्राम कहीं पर आप ज्वाइन किए हैं तो वहां से आप सीखिए। WM पैटर्न के बारे में अच्छे समझिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और डबल टॉप डबल बॉटम, ये बहुत ही पावरफुल ये पैटर्न्स हैं, ये डबल टॉप पावर डब्ल्यू और एम और हेड और शोल्डर और प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत पावरफुल चीज है फ्रेंड्स इसे, ठीक है जी। इस चीज को आप जरूर समझें, और प्राइस हमारी आउट डाउन आ गई है, तो यानी ये वाला जो लेवल है मुझे लगता है कि हिट हो सकता है, पर अपना यही लेवल था। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं आप, और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं नए वीडियो को अपलोड अपडेट कर पाऊँ, और 3 से 4 दिन 5 दिन का गैप हो सकता है, तो आप वेट कीजिएगा। जब भी कोई मैं चीज़ें अपडेट करूंगा तो बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें अपडेट करूंगा, और आपको पूरा का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, कैसे आप कैसे स्ट्रक्चर पहले क्रिएट करेंगे फिर जाके आप ट्रेड प्लेस करना, ठीक है दोस्तों। तो दिस वीडियो नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।